हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में क्योंकि हम बड़ी अपडेट यहां पर आपको देने वाले हैं। अगर आप दोस्तों 20,800 रुपये से 65,900 रुपये तक की सैलरी सरकारी पद पर रहते हुए पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ी भर्ती है। देखिए, कनिष्ठ न्यायिक सहायक की भर्ती निकली है जो कि 320 पदों पर है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड में यहाँ पर 4 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 18 पदों पर भर्ती है। और वहीं पर दोस्तों आगे आप देखेंगे कि लिपिक ग्रेड सेकंड के सबसे ज़्यादा पद 1,985 पद हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड के यहाँ पर देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र थे और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 69 पद हैं। उसके बाद कनिष्ठ सहायक में आप देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 343 और कनिष्ठ सहायक अनुसूचित क्षेत्र में 17 रिक्त पद दोस्तों निकाले गए हैं। अब इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जो कि आप 22/9/2022 तक आपको कंप्लीट यहां पर कर लेना है। 22/8/2022 से आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों शुरू होगी। कुल मिलाकर फॉर्म की अंतिम तिथि 23/9/2022 निर्धारित की गई है। www.hcraj.nic.in ये आधिकारिक वेबसाइट है, यहां से अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो भर्ती है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से दोस्तों निकाली गई है, जहां पर मैक्सिमम 65,900 रुपए तक का वेतन यहां पर आपको दोस्तों मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी नई भर्ती 2022 की आई है वो लगभग 4200 पदों पर है और उसमें 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़ दिया जाए, यानी कि 4200 पद प्लस 22,000 शिक्षकों जो तदर्थ शिक्षक है उनकी सीटों को जोड़ दिया जाए। इसके लिए एक याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में। जी, हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर दोस्तों सुनवाई हुई, लगभग एक दो बार सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद दोस्तों कल देर शाम हाई कोर्ट ने जो उसका ऑर्डर है वो दोस्तों रिलीज किया और उस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने इस याचिका को दोस्तों जो कि 22,000 पद जोड़ने वाली थी इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। जी हाँ, इस याचिका पर पूरी तरह इसको खारिज कर दिया और कहा है कि इन 22,000 तदर्थ शिक्षकों को इस नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब जो इंतजार था कि 22,000 पद जुड़ जाएंगे तो वो इंतजार दोस्तों समाप्त हो गया। अब जो टीजीटी पीजीटी भर्ती दोस्तों होगी वो केवल 4,100 कुछ पदों पर जो आई है उतने ही पदों पर होने वाली है। अगली जो अपडेट है दोस्तों वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पे। जी हाँ, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है विज्ञापन 51 के तहत। तो दोस्तों, उसमें आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए इसको लेकर छात्र लगातार आयोग पर ज्ञापन दे रहे थे और वो ज्ञापन छात्रों का स्वीकार किया गया। अब दोस्तों, इसमें जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब 23/8/2022 तक दोस्तों आप इस विज्ञापन 51 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अगर मौका है आपके पास, अगर अभी तक आपने आवेदन पूर्ण नहीं किया है तो आप फटाफट आवेदन पूर्ण जरूर कर लें। अगली अपडेट दोस्तों यूपी SSSC से निकल कर आ रही है। जी हाँ, ANM महिला जो भर्ती थी 8,831 पदों पर, उसका जो दोस्तों अंतिम परिणाम है वो घोषित किया गया। ये पद नहीं है, इतने छात्रों को चयनित किया गया, ठीक है। तो ये 8,831 छात्रों को यहाँ पर दोस्तों चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी कि ANM भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया। 9,212 पदों के सापेक्ष केवल 8,831 यहाँ पर चयनित हुए, यानी कि काफी पद खाली भी रह गए हैं। वहीं पर PET 2022 परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक अलग अपडेट है क्योंकि जो तारीखें थी सितंबर महीने की थी तो उन्हें अब दोस्तों बदल दिया गया है। परीक्षा तारीखों में बदलाव किया गया है क्योंकि दोस्तों 35,00,000 प्लस आवेदन हो चुके हैं, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है, साथ में परीक्षा 2 दिन कराने का निर्णय लिया है। तो अब दोस्तों ये जो परीक्षा है वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 को कराई जाएगी। तो आपको थोड़ा सा और समय मिल गया है तैयारियां करने का। अब तिथियां नहीं बढ़ने वाली, आप तैयारियां करते रहें। अक्टूबर महीने में दोस्तों समूह गा की भर्तियों के लिए PET 2022 की परीक्षा संपादित होगी।